नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी उम्मीदवारों को फिर से एक नई जानकारी लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के लिए जो ऑनलाइन आवेदन एवं स्कूल च्वाइस फिलिंग करी गई थी, उसका जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने स्कूल च्वाइस फिलिंग करी थी एवं ऑनलाइन आवेदन किया था, वो अपना यहाँ पे मेरिट लिस्ट कहाँ से और कैसे चेक कर सकते हैं, और जिन्हें स्कूल मिल चुका है वो ज्वाइनिंग आप कब से कब तक ले सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम बताने वाले हैं। बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया था और वो अपना मेरिट लिस्ट में नाम चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पे अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं स्वयं अपने मोबाइल फोन से, और साथ ही कौन सा स्कूल उन्हें प्राप्त हुआ है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो संपूर्ण प्रकार की जो जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। हमने जो है यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी का जो पोर्टल है fms.mp.gov.in की जो वेबसाइट इसे ओपन किया हुआ है, इसकी डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से डायरेक्ट ही आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको लॉगिन बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी स्क्रीन पर आपको कोई सी भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ भी महत्वपूर्ण आदेश में अभी जो जानकारी है वो बहुत जल्द यहाँ पे आदेश अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पर जाना है। लॉगिन के ऑप्शन पर जाने के बाद आपके पास जो आईडी पासवर्ड है, यानी आईडी में आपका मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड आपको मिला होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद की जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी उम्मीदवार की जो प्रोफाइल है हमने यहाँ पे ओपन की हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका जो अलॉटमेंट लेटर है और मेरिट लिस्ट है वो कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आ रही है और बहुत से उम्मीदवार यहीं पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है उसके बाजू में मेन्यू का ऑप्शन है, वहां पे जाने के बाद जहाँ पे आप स्कोर कार्ड प्रिंट करते हैं, स्कोर कार्ड MGMT लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो स्कोर कार्ड निकलता है वहीं पे आपको जाना है, माई स्कोर कार्ड के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड स्कोर कार्ड का ऑप्शन दिखेगा और दूसरा प्रिंट माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको प्रिंट माई प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जिन भी उम्मीदवार ने स्कूल की च्वाइस फिलिंग करी थी वो यहाँ पे अपना प्रोफाइल चेक कर पाएंगे। यहाँ पे जो गेस्ट आईडी है वो भी आ चुका है। गेस्ट आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गेस्ट आईडी आपका है। यहाँ पे स्टेटस पूरा दिख जाएगा आपको, पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, आपका स्कोर दिख जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद यहाँ पे आप जो आपका स्कोर है वो स्कोर आप देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने पहले कहाँ पढ़ाया है, कहाँ से आप जो है कितने साल पढ़ाया है, पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके बाद यहाँ पे जो है ये उम्मीदवार हैं जिनका हम आवेदन आपको ओपन करके बता रहे हैं, ये नए उम्मीदवार हैं, इनका यहाँ पे करेंट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डिटेल, तो यहाँ पे जो है वो ज्वाइन करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। करेंट ज्वाइन डिटेल यानी आप जिस जो स्कूल आपको यहाँ पे दिया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पे जो है इन्हें कोई भी स्कूल नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे इनका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे रिक्त है। तो यहाँ पे अगर जिन भी उम्मीदवारों को स्कूल मिलता है तो यहाँ पे उनका स्कूल का नाम लिखा हुआ होगा, डेट लिखी हुई होगी कि किस डेट में उन्हें स्कूल में जाकर संपर्क करना है, और लास्ट डेट इसकी जो है 13/10/2024 तक है। 13/10/2024 तक आपको स्कूल में जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग लेनी है। तो यहाँ पे करंट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डिटेल में आपको यहाँ पे स्कूल का नाम, स्कूल का डाइस कोड और जो आपका डेट है वो एक डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये जो नीचे ऑप्शन है इसमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मंथली पेमेंट डिटेल है, वो यहाँ पे आएगी जिन्होंने पहले पढ़ाया है या पहले काम किया है। जिन्होंने जो स्टूडेंट या जो आवेदक नए हैं, जिन्होंने आवेदन नया किया था, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं खुलेगी। और जिन्हें स्कूल मिला है वो केवल यहाँ पे आपको स्कूल अगर मिला है तो इसी ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर स्कूल नहीं मिला है तो यहाँ पे इसी तरह से रिक्त होगा, आपको स्कूल नहीं मिलेगा। इसके बाद जैसे ही अगर कोई आवेदक स्कूल ज्वाइन नहीं करता है तो सेकंड जो लिस्ट है वो यहाँ पे अपडेट करी जाएगी और उसे जानकारी के माध्यम से आपको यहाँ पे देखते रहना है। जैसे ही आपको जानकारी यहाँ पे अपडेट होती जाती है समय समय पर, तो आपको यहाँ पे मालूम चलता जाएगा। तो यहाँ पे आपको करंट स्टेटस चेक करते जाना है। अगर आपको स्कूल मिल जाता है तो स्कूल में आपको संपर्क करना है और वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेनी है। तो ये प्रोसेस है आपका मेरिट लिस्ट चेक करने की। अब यहाँ पे वापस चलना है, अभी और जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपडेट होगी। तो यहाँ पे जैसे ही इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी तो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। अभी यहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग का ऑप्शन है,
यहीं पे जो इन्फॉर्मेशन है वो और आएगी, तो जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको बता देंगे। अभी आप यहाँ पे अपना मेरिट लिस्ट चेक कर लें, और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।